गुड मॉर्निंग सत श्रीकाल, बहुत सारे चढ़ते कला ही चाहिए। तो डे हैगा 46, तरीक हैगी अज 25 दिसंबर 22। तो अज असी जाना पुणे, जो है 100 किलोमीटर। तो बस हम निकल लगे। हेलो डैडा। हेलो, गुड मॉर्निंग। साड़ी लिफ्ट ही नहीं आती कद भी, पता नहीं जो असं आने उदो ही साड़ना लैवे हों। तो मिलते थले जाके। तो सभी लोग आए हैं सर यहाँ पे, पनवेल का ग्रुप है ये बहुत बड़ा। तो सभी को सर थैंक यू। ओके दीदी, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। पंडरपुरी चाय स्पेशल है, सुबह सुबह एक के साथ चाय बहुत अच्छी है, स्पेशल है, क्रीमी चाय है एकदम। ये चैन है एक्सेल में, बहुत सारी दुकान है इनके। ओके ओके, फ्रेंचाइज भी लेना पड़ता है, दुकान पर लेके जाए। अच्छा जी, पंजाबी हो सकती है। तो चाय पत्ती वगैरह इन लोग देते हैं। हाँ हाँ, वो भी उनका आता है, अपने ही है, सिर्फ आपको बनाना है और देना है। ओके ओके। तो छोटे छोटे बच्चे ने परवेल दे जो हमारे सर इन सभी का सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। तो ये सर हैं जो सारे बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो डेली सर कितना चला लेते हैं बच्चों का? 10-12 किलोमीटर जाते हैं सर। ओके ओके। और छुट्टी के दिन 25 किलोमीटर जाते हैं। ठीक ठीक। जैसे मतलब मेले संडे संडे हो गया। हाँ, हम लोग साइकिलिंग भी करते हैं, माउंटेनिंग करते हैं, सब चीज़ अलग अलग, वो भी कॉम्पिटिशन है। समझ में बच्चों के साथ में बहुत सारे एक्टिविटी करते थे हम। ठीक। अभी मतलब उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मतलब मोटिवेशनल सब साइकिलिंग अपना, मतलब साइकिलिंग के साथ में मोटिवेशन करते हैं सारे बच्चे, मतलब ठीक है सर। तो सर उनको हम लोग अभी बाद में आप उनको पहना देना करो। आज ये बेटा आपको ना टी शर्ट हमारी तरफ से, ठीक है। और ये रनाथन आप कपड़े ऐसा पकड़ के हाथ लगाओ। ये हमारा ग्रुप है रनाथन साइकिल ग्रुप, ठीक है ना। और बाद में आप सभी पहन लेना सर। अभी बोलो तो अभी वो मनाली जाने वाले, कन्याकुमारी शिमला टू कन्याकुमारी। आप कन्याकुमारी आओगे ना? कितने दिन का टोटल आपका टूर है? टोटल कितने दिन? 2 मंथ का। वेरी गुड, क्लैप करो, क्लैप सब लोग। आभार। देखो ये इनसे हमको मोटिवेशन लेने का है। कितने साल की है? 8 साल की है। और हम लोग इतने बड़े हो के हम सोचते हैं 6 बजे उठने का, 7 बजे उठने का, 5 बजे उठने का। देखो इनसे मोटिवेशन ले लो आप, आज से सोचो क्या करने का। देखो ऐसा टारगेट होना चाहिए। और उनका टारगेट है, कल मैंने उनसे बात किया तो उनको जज बनना है। उनके लिए ताली बजाओ जोर से। चलो 6 बजे हैं तो ये ऑलरेडी तैयार होकर नीचे में खड़े थे। देखो उनको थोड़ा लेट हो रहा है इसलिए, ठीक है। 2 मिनट बैग किसके पास है? बैग बैग बेटी को, 8 साल की बेटी को रोड पे उतारने के लिए भी क्या चाहिए? दिल चाहिए, जिगर चाहिए। मतलब इनका जो कलेजा देखो कितना बड़ा है, सरका कलेजा देखा, ठीक है। और 8 साल की बेटी को रोड पे लाना मतलब कितना, मतलब हम लोग 8 साल के बच्चे को ग्राउंड में नहीं छोड़ते, नीचे बिल्डिंग में नहीं छोड़ते। पर सर मतलब इसके लिए सर के लिए जोर से ताली बजे सबको। वेरी गुड, आवाज उठा दो। इधर आ, इधर आ। ये क्यों पहनेगा मालूम है? आज मैंने सर हम लोग ना टाइम के बहुत पक्के रहते हैं, ये सबसे पहले आज 6 बजे शार्प आया था सर, इसलिए आपको पहनेगा। ये सर को ऐसा पहनाने का, सर को पहनाने का नमस्ते बोलो। भूख लिखती थी, थोड़ा थोड़ा खाना है। और
और आपने पंजाब में तो आपने आपने बोला था ना, तो सारे साइकिलों हमने आपका स्टिकर लगा दिया, आप एक बार देख लो एक बार वो साइकिल छोड़ो एक बार देखो, आपने बोला था हमें लगा देखो सर देखो उनको दिखा दो, आप शूटिंग करो देता उनका, आप साइकिल पर जा जाओ, आओ आपने बोला था देखो सारे साइकिल। तो हिमालयन साइकिलिंग स्टिकर दिखा रहे हैं रावी नू, ये लग गए हैं सारे रावी का स्टिकर हिमालयन सभी साइकिलों पे लगे हैं। और थैंक यू फॉर सुधीर सर, काफ़ी बच्चे हैं इन्होंने को चढ़ी बच्चे आते हैं डेली। इधर 111 किलोमीटर है बेंगलोर 947 खपोली 33 हम जाना खंडाला, खंडाला है 50 आ जाओ खिची रखो काम हूँ बस ठीक है शाम तक पहुँच गए आप। तो सामने सूरज देखो क्या व्यू है, उगदा है सूरज तो उगदा है साढ़े लड्डू के सुपने। हाँ जी चढ़ने के बाद दो रास्ता है ठीक है, एक ओल्ड ये जाता है और एक एक्सप्रेस वे में घुसता है ठीक है, खंडाला से लोनावाले तक एक्सप्रेस वे में चला सकते हैं ठीक है, अगर ओल्ड में जाएंगे तो आपको एलिवेशन ज़्यादा मिलेगा ठीक है, एक्सप्रेस में जाएंगे तो एक दो किलोमीटर बढ़ता है जब चला तो सकते हैं साइकिल चला सकते हैं जा सकते ठीक, फिर वो वहाँ पर एक जगह फोर्स लगा हुआ रहेगा लोनावाला के पहले वहाँ से एग्जिट रहेगा। ये रोड जो है ना वो एक्सप्रेस को मर्ज ही हो जाता है यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं होता, वो दो रास्ते निकलते हैं लेकिन वो एक्सप्रेस गाड़ियाँ जब लेफ्ट साइड से ओवरटेक करती है ना सिंगल लाइन पर ना ना कोई हम साइड पे रहेंगे हम ये आगे रहेगा बलविंदर क्योंकि अब मैं पीछे रहूँगा ना ये आगे चलेगी ठीक है सर बाय बाय मिलते हैं फिर देखता हूँ खंडाला की घाट शुरू हो गई बस उवें समझ लो जिदा परमाणु तो धर्मपुर की है चीका घटाऊगी है 10 किलोमीटर वो 30 किलोमीटर है ये 10-15 किलोमीटर के बीच हैगी चले ग्रुप है साढ़े ग्रुप है राइडर चले ठंड बहुत ज़्यादा उदे भी हाथ उत्तर सुन हुए पे ने टी शर्ट के हिसाब ना कि उत्तर लोग जैकटा पाई ने क्योंकि जो खंडाला हाइट पर है तो ठंड हैगी है जिमें कसौली होंगी उन्नी ठंड हैगी उ उस तो बाद नहीं हैगी आ जा रहे रावी तो चाचू 6 लीटर पे है 650 का आप कितों पाया सी तेल हूँ अस आ चुके गुरुद्वारा इतने अस लंगर छकिया तो इधरली साइड तो मेरी फ्रेंड्स भी मिल गई डक वैसे डक है कितने रहना ही है क्या तो इतने बहुत वधिया व्यू आ एंड जो असी आ रहे थे उसे जिस जिस पहाड़ से असी चढ़ना उतो ही सन अप आ रहा है मतलब कि उत गर्मी ज़्यादा होगी। इस गुरुद्वारा साहब का नाम है रुस्तम राव बाला राव ते जीटी रोड पे पनवेल तो वो शायद पापा वो तो गर्मी तो हुआ इसलिए शायद अभी 20 किलोमीटर आ चुके हैं तो देख जाऊंगी ये भी गंदा होया बिल्कुल ओके। सो आप अभी आ चुके हैं 23 किलोमीटर तो डिस्टेंस जो है 23 किलोमीटर जीटी रोड से पनवेल तो अगे तो जिन्हें भी आना वो आ सकता ये राइट साइड है ना कि लैफ्ट आपियां तलोज खड़िया ने साढ़े फुफड़ जी हम ठीक ने थोड़े थोड़े तो काफ़ी वधिया लग रहे हैं आ देखो सा
ये एक और तो ना जिधर फिलहाल ये उतरे नहीं हो हाय गॉड तो मिलते हैं बाचो ऐसे खाड़ी जी तेरी फोटो खिंचो ठीक है और बोर्ड लगे तो खंडाला 8 किलोमीटर लोनावाला 12 तो पुणे 76 इतों 8 किलोमीटर इन्होंने हूँ सीधा चढ़ना है तो खड़ा पहाड़ है उस तो बाद फिर चलन गए 12 किलोमीटर लोनावाला पुणे तो चलते हैं ठीक है फिर लाले पट्टा तेल चलो फिर तो खंडाला की चढ़ाई शुरू हो गई है 8 किलोमीटर खड़ा पहाड़ है ये अगे आगे देखते हैं 12 किलोमीटर तो 8 तो 6 अगे है लोनावाला तो लोनावाला जाके चाह च पीवे यस कम ऑन यार नज़ारा पहाड़ा ला हूं हाँ प्रधान आँदी मनाली वाली फीलिंग नक वाली कमान थोड़ा अगे पिछे लैफ्ट राइट भी देखना रावी ये नहीं है कि बस कमलों वागू चलाई चलोगे साइकिल माड़ा गाइड करिए ने जा रहे खंडाला की चढ़ाई शुरू हो गई फुल मैं बंद बोलोगे अच्छे बंद तो वो भी सामने देख रहे हो गड्डिया जा रही ने देखो उंगली कर रहे हैं तो उना इन्होंने यार देखो रात बंदा गड्डिया का अभी पहले गेट चल रही अगर मतलब रावी तुरकी आवगे क्योंकि ये एकदम खड़ी चढ़ाई 8 किलोमीटर टोटली डेडली थोड़ा फोन से दिखा जिथे बाली प्रॉब्लम रुक जा करी ठीक है ओके देख रखी पंप माड़ा जा जिथे रुकता रोक ली सह दबारा करी पानी पुनी गुड गुड 8 किलोमीटर करना है तुरके नहीं जाना मेरे मोटरसाइकिल का राट निकल रहा पर चढ़ती कला च रवे रावी तो बलविंदर दोनों 8 किलोमीटर करन क्योंकि इतने लोग कहें भी तुर के जाते लोग इतने लोग कहते तुर के जाते आप तुरना नहीं चला के जाना ठीक है पुत कहते तुर के नहीं जाना अपने अगे खड़ाने फिर बनाने वीडियो तो आ रहे रावी जोर लगा के आईशा खड़े होके चला खड़े होके यस चलो गुड सह ले ला रेस्ट कर लो इधर सीधा ला लो सीधा थले सारा पनवेल है तो चढ़ के आए असी वो नीचे पनवेल तो ये एक्सप्रैस हाईवे है तो ओल्ड हाईवे है रावी हजे आ रही है अगे देखोगे थोड़ी दिखाने अगे आगे रावी वो सामने आ रही है रावी वो सामने आ रही है रावी गुड रावी तो बलविंदर पिछे आ रहे हैं हौली हौली मैं अगे जाना तो देखो खंडाला पहाड़ियाँ सारिया उपरों जिमें अपने पास व्यू पॉइंट है इतने इन्हों का व्यू पॉइंट है दिखा थोनों सामने देखो पनवेल ओ लास्ट थले तो आए हैं अभी आखो बलू कढ़ा सा कद्दू फीलिंग चलो खाना कुछ बड़ा पाओ छोटा पाओ आ जा रोकला रावी इतने लाला साइड से लाला बहुत वाइया लग्या इधर साइडोस इधर साढ़े फुफड़ खड़े ने जिन्होंने कोई बुला नहीं ज्यादा वो दस रहे थे ज्यादा बुलाया करो वरना बीमार हो जाते हैं वो देखो वधिया व्यू आ बहुत ज्यादा
ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਹਾੜ ਚੜ ਕੇ ਆ ਲਾਸਟ ਚੜਾਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵੇਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲੇਨ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਚਾਚੂ ਹੁਣੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਚਾਚੂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੇਂਜ ਦਿੰਦਿਆ ਚਾਚੂ ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ ਬੜਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੈਲੇਂਜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਰਚੀ ਖਾਣੀ ਆ ਵਿਦ ਆ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਬਿਨਾਂ ਬੜਾ ਪਾਓ ਤੋਂ आ गई खंडाला तो लोग कह रहे थे साडे बंगले ने खंडाला यो चीज़ा ने रिजॉर्ट हो गए हौले सब फेल हो गए जो हाईवे बन गया एक्सप्रेस सारे बंद हो गए क्योंकि इधर लोग जाते नहीं बार बार जाते हैं इधर जो घूम आते लोग बस उ आना तो कई ने अपने होटल या कन्वर्ट कर ले रिजॉर्ट कन्वर्ट कर ले सारे हम असं हाईवे के नाल हो जाएंगे अगे जाके मिक्स हो जूगा कुछ किलोमीटर जाके फिर वाखा हो जूगा ये 8 साल जो कश्मीर से कन्याकुमारी कर रही है लेकिन ये तो चॉकलेट पानी बिच आ पानी बिच ये कितने साल के अभी 8 साल ये जीरा सारी ना होता है खजूर का पानी होता बहुत स्वाद होता है तो नारी पान तो भी बढ़िया होता है तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं असि किनारा गांव इस तो बाद अपने मित्र ने दसा भाई जो मेरे क्लब के मैंबर भी ने हिमालयन साइकिलिंग के उन्होंने मामा जी का होटल है इतने रेस्टोरेंट सिद्धू रेस्टोरेंट नाम से है तो प्रैफर करो कोई भी पुणे तो सॉरी पुणा जाता इधरों खंडाला तो है 18 किलोमीटर है रोड से तो बस आने वाली है 4 किलोमीटर रह गया तो हम लोकेशन दसदा तो इन्होंने फोटो फोटो पावे वीडियो लोकेशन बहुत सोहनी है खंडाला क्रॉस करके रावी तो बल्ले बलिंदर पिछे 1.5 किलोमीटर है किलोमीटर अगे ढाबा तो उसे अगे आप करते हैं लंच करते हैं ना रेस्ट करते हैं घंटा क्योंकि रावी काफ़ी टायर्ड हो गई है क्योंकि एकदम 8 किलोमीटर खड़ा पहाड़ है तो इधरले लोग तो कहते हैं कहते असी तो चढ़ के नहीं आते है बहुत घट चांस होंगे कहते तुर के जाना पैंता बिच बिच पर रावी सारे जी मेन सारे मेन पॉइंट चढ़ के ही है तो तुम वीडियो देखो तो वीडियो लाइक एंड शेयर करे करो बद करो क्योंकि थोड़े जिन्हें शेयर करोगे रावी को उन्नी सपोर्ट मिलेगी उन्ना उन्होंने हौसला मिलेगा ओके जी आ गया सिद्धू ढाबा कर रहे हैं गल सो हाईवे के मेन ते है सिद्धू पंजाबी ढाबा तो अपने मित्र का और मामा जी ने ते बहुत ही बड़ा तो व्यू भी बहुत वधिया आले दुआले खबरे सज्जे पिछे पहाड़ है तो सारे उरे रुकया करो पंजाबी वीर तो जेडे जहाँ पे लोकल लोग हैं वो भी सुन लीजिए सिद्धू ढाबा है जो बहुत ही अच्छा है तो पंजाबी खाना तो पंजाबी मशहूर ही है आप सभी को पता ही है सो मिलते हैं आगे सब भाई का ढाबा सिद्धू पंजाबी ढाबा इधर आ गई रावी राम ना इधर ला ला इधर नाल ला ला उधर राइट ला यार इधर ला रावी मोटरसाइकिल पे ला दे इधर राइट मोटरसाइकिल पे ला दे यो 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 अच्छा रावी साइकिल ले लिया पटियाले दी गड्डी खड़ी अपने ग्रुप जसा भाई होनी ने मामा जी ने सी हो भी
ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੂਰੇ ਅਮਰੀਕ ਢਾਬਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੇਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਸਫਾਈ ਦੇ ਢਾਬੇ ਆਰਾਮ ਢਾਬਾ ਪਰ ਕੰਮ ਹੋਟਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਬਾਕੀ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦੱਸ ਭਾਈ ਮਾਮਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਭਾਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਉਰੇ 20 ਸਾਲ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇੱਕ 2003 ਦਾ ਆਇਆ 2003 2004 ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ 2002 'ਚ ਡੈਡੀ ਦੱਸ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੀ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਆਏ 12 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਕਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਹ ਖੜਾ ਸੀ ਐਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵੈਸੇ ਹੈ ਨਾ ਜੰਮੀ ਆ ਖਾਓ ਖਾਓ ਚੰਦਨ ਆਈ ਕਿਹੜਾ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਅੰਕਲ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਲੈ ਇੱਧਰ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲਦਾ ਰਸਤਾ ਚਲੋ ਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਬਾਈ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਿੱਧੂ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਊ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਢਾਬਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੜਕ ਅਤੇ ਬਾਹਲੀ ਐਂਡ ਕਰਾਈ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਰਾਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਵਿਊ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹਾਈਵੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਡਾਊਨ ਹਾਈਟ ਆ ਗਈ ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਰਾਵੀ ਵਾਲੀ ਲੱਡੂ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਯੈਸ ਸੋ ਲੱਡੂ ਦਾ ਬੈਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਗ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਵੀ ਉਹਨੇ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਰੰਟ ਗੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ ਸੀ ਚਲੋ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਸੋ ਸਭਸੇ ਉੱਚੀ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਮੂਰਤੀ ਆਉਂਦੀ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤਾਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ 5-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਚਲ ਸੋ ਪੂਨਾ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਲਏ ਹਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਗੱਜੂ ਬਾਈ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਪੌਰਚ ਏਰੀਆ ਇਹ ਕਰੀਮ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬਸ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ
हेलो गजी भाई, नमस्ते। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू पुणे। बैठो बैठो सन्नति लो जी। बलविंदर हो गया, पहला ट्रैकर से हूँ क्लाइंबर बन गया है। हाँ हाँ देख रहा भी, हाथ पाली ध्यान ना मुड़ के देख ला, कन्ने एक बार दिखे नहीं इतने हाथ नहीं पाई रहा पहले क्लाइंबर के हाथ पा, क्लाइंबर इतने हाथ फिसल जाता हमेशा। हाँ जब तक उपर नहीं चढ़ता ना बंदा सिरे तक, इनू हाथ पा के रखी दे क्लंप लगे हुए ने, एक ग्रिप फड़ लें। हाँ यार छाल मास एक टी शर्ट है पूना टू कन्याकुमारी, एक है शिवाजी की पीछे बैक साइड शुभ, ये है इंडो एथलीट सोसाइटी IAS। तो पूना टू कन्याकुमारी घूम जा यूटर्न, इंडो एथलीट सोसाइटी IAS। गजू मारा भाई ने मंगे सो कूलर वाली चाय। चलो उधर रख ला भी उठ, मैं तो साईं बाबा को, साईं बाबा को आग लगी हुई है। तो हूँ अस लगे सोन, तो टाइम भी बहुत हो गया, 10 o'clock हो गए, तो हूँ बस सो जाएंगे, तो सवेरे जावे पापा अपने। सवेरे कितने जाना? सतारा, तो वह हैगा इतने 120, तो जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो बस हेलो चचू। हाँ जी बेटा। नींद आ रही है? बहुत ज़्यादा बेटा। इसलिए बाय बाय, सी यू लेटर, गुड नाइट।